सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल अभिषेक यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे आगे देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप, डेस्कटॉप, कोई सा भी कंप्यूटर का जो फोल्डर होता है, उस फोल्डर को आइकन को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों आपका मर्जी, दोस्तों आप कैसे चेंज करना चाहते हैं। आप चाहे तो कुछ कार्टून या फिर कुछ हीरोस या फिर कुछ मूवी का भी आइकन दे सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एवेंजर्स का जो लोगो है वो मैंने यहाँ पर सेट करके रखा है। तो आपको सिंपली आप जिस फोल्डर का आइकॉन चेंज करना चाहते हैं उस आइकॉन पर आपको पॉइंटर ले जाना है। उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपको जाना है प्रॉपर्टीज, उसके बाद आपको सिंपली कस्टमाइज पे जाना है। मैं सिंपली जा लेता हूँ कस्टमाइज। उसके बाद आपको सबसे नीचे दिखेगा चेंज आइकॉन, तो आपको वहाँ पर सिंपली क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस आएगा, उसके बाद आपको ब्राउज पे क्लिक करना पड़ेगा। मैं आपको ऑलरेडी एक लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा जो कि डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वो लिंक डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद जब आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तब आपके सामने ऐसा वाला एक ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ पर सिंपली डबल क्लिक कीजिएगा। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बहुत सारे जो फोल्डर के जो लोगो होते बहुत सारे मैंने ऐड करवा दिए है दोस्तों, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली एक एक करके खोल के आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कौन सा में कौन सा है। आपको जो अच्छा लगता है दोस्तों आप वो दीजिए। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप गूगल पे जाइए, वहाँ पर और भी बहुत सारा फोल्डर है, आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड करके आप आपका जो मर्जी है वो वाला फेवरेट फ़ोटो सेट कर सकते हैं दोस्तों। आप चाहे तो आपका भी सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थॉर वाला सेव कर देता हूँ, उसके बाद ओपन, उसके बाद ओके, उसके बाद ओके, ठीक है। तो देखिए सिंपली यहाँ पर आ गया दोस्तों। तो देखिए बिफोर आफ्टर वाला अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो कितना अच्छा लग रहा है आगे से, ठीक है। तो ये दोस्तों ये एकदम एकदम फोल्डर ही है, ठीक है। अब देख सकते हैं मैं यहाँ पर कुछ कट या फिर पेस्ट करके भी घुसा दूंगा, ठीक है। देखिए आपको ये मिल जाएगा, ये वाला आपको यहाँ पर सिंपली एक्सट्रैक्ट करने पड़ेगा। अगर जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तब आपके पास सिंपली एक फोल्डर आ जाएगा दोस्तों, उसका नाम है मार्वल कलेक्शन बाई मेरा नाम मैंने दे दिया है, आप चाहे तो आपका नाम भी दे सकते हैं। और दोस्तों सबसे ज़रूरी बात, आप इस जिस फोल्डर पे सेट करके उसके बाद आप लोगो चेंज करेंगे फ़ोटो से, उसे आप रीनेम मत कीजिएगा या फिर कॉपी करके कुछ अलग सा फोल्डर में नहीं रखिएगा, वरना आप मतलब कि उसका फ़ोटो चेंज नहीं होगा। तो आपको जो करना है दोस्तों आपको पहले ही करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।